गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल एट योर होम। एज कोरोना इज स्प्रेडिंग सो मच, यू नीड टू स्टे होम। जैसे आपको सभी को पता है कि कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो आप सभी को घर पे रहना है, घर पे रह के ही पढ़ाई करनी है ना। तो आज हम नया टॉपिक सीखने को जा रहे हैं, दैट इज़ रोमन न्यूमरल्स। होता क्या है, व्हाट इज रोमन न्यूमरल्स? आपने चीज़ नोटिस करी है, आपकी जो क्लास है उसके बारे में एक बोर्ड लगा हुआ है, उसमें फर्स्ट लिखा हुआ, उसको वन क्यों नहीं लिखा, फर्स्ट ही क्यों लिखा? जो सेकंड क्लास है, सेकंड के बाद में भी टू ऐसे लिखा हुआ अलग तरीके से, ये क्या होता है? ये सारे जो है ये रोमन न्यूमरल्स है। रोमन मतलब जो इंडिया में है, वो हम हिंदू अरेबिक जो होता है उसको देवनागरी में जो 1, 2, 3 गिनती लिखते हैं ना, उसको हम क्या कहते हैं, हिंदू अरेबिक। और उसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, और वो दूसरा तरीका कौन सा है, रोमन नंबर्स। किसी भी नंबर को, यानी जो नंबर है हमारे पास, उसको दूसरे तरीके का तरह से लिखने का हम क्या कह सकते हैं, एक और तरीका है रोमन नंबर लिखने का। जैसे इसमें कुछ रूल्स है, देर आर सम रूल्स फॉर रोमन न्यूमरल्स नंबर। 7 बेसिक सिंबल्स यू शुड नो। रोमन नंबर स्टार्ट करने से पहले आपको 7 बेसिक रोमन न्यूमरल्स के जो सिंबल्स होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। यू शुड नो दैट सिंबल्स। व्हाट आर द 7 सिंबल्स, लेट अस डिस्कस हियर। ओके, सपोज करो 1 को हम कैसे लिखते हैं रोमन में, रोमन हम लिखते हैं आई। क्या लिखते हैं, आई। ये 1 हो गया, ये सिंबल किसका हुआ, 1 का सिंबल होता है आई, अंडरस्टूड। नेक्स्ट नंबर इज 5। 5 को हम रोमन नंबर में वी लिखते हैं, ऐसे वी। क्या लिखते हैं, वी। 5 को क्या लिखते हैं हम रोमन नंबर में, वी। नेक्स्ट इज 10। 10 रोमन नंबर में अगर मेरे को लिखना है तो आई नीड टू राइट इट एक्स, ऐसा हम लिखेंगे रोमन नंबर में। 10 को कैसे लिखेंगे, एक्स। ठीक है, इसके ऊपर भी अपन ऐसे डॉट लाइन खींचते हैं, ये 10 हो गया आपके पास। नेक्स्ट इज 50। 50 के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एल। क्या यूज़ करेंगे, एल। 50 के लिए हम यूज़ करते हैं एल। 50 के लिए क्या सिंबल यूज होगा, एल। 100 के लिए हम यूज़ करेंगे सी। 100 के लिए हम यूज़ करेंगे सी। 100 के लिए क्या यूज़ करेंगे हम, सी। फिर 500 के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, डी। क्या यूज़ करेंगे, डी। कौन सा सिंबल यूज़ करेंगे, डी। नेक्स्ट नंबर है 1000। 1000 के लिए हम यूज़ करेंगे एम। सो आई रिपीट, जो सिंबल्स है, 7 जो रूल्स है, इन सबको अपने को क्या है, याद करना है। यू नीड टू रिमेंबर दिस। इफ़ यू नो दिस सिंबल्स, देन यू आर यू विल एबल टू राइट एनी रोमन नंबर्स। कोई भी रोमन नंबर होगा, अगर आपको ये सिंबल्स पता होगा ना, कितना भी बड़ा रोमन नंबर्स हो, वो आप लिख पाओगे। ओके, सो हियर फर्स्ट 1 को कैसे लिखेंगे, आई। 5 को कैसे लिखेंगे, वी। 10 को कैसे लिखेंगे, एक्स। 50 को हम लिखेंगे एल। 100 को लिखेंगे सी। 500 को लिखेंगे डी। और 1000 को हम लिखेंगे एम। कोई डाउट है? सो इन योर वर्कशीट व्हाट यू नीड टू डू, द फर्स्ट क्वेश्चन I have given you the symbols. You need to write and learn that symbols. आपको लिखना है उस वर्कशीट क्वेश्चन नंबर 1 में, और अच्छे से ये सिंबल्स, 7 सिंबल्स आपको लर्न करना है। और क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने क्या दे दिया आपको, रोमन नंबर्स लिखने को दे दिया फ्रॉम 1 to 50। तो मैं बताऊँगा कैसे लिखे जाते हैं रोमन नंबर्स के, रूल्स थोड़े बहुत बताऊँगा आपको, ठीक है। देन यू नीड टू राइट रोमन नंबर्स फ्रॉम 1 to 50 इन क्वेश्चन नंबर 2। सम एग्जाम्पल आई विल गिव यू। 4 अगर लिखना है मेरे को, 4 लिखने के लिए मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, पहले लिखना पड़ेगा आई, जब भी, और वी। वी होता है 5। 5 से एक नंबर कम करना है, मतलब 1 का सिंबल क्या है, 1। यानी कोई भी बड़ा नंबर है उससे छोटा नंबर लिखना है, सपोज करो 6, सपोज करो 4 है, तो 4 के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, बड़े नंबर से पहले अगर कोई छोटा नंबर लिखते हैं, वी का मतलब 5 होता है, और उससे पहले अगर मैंने छोटा नंबर लिखा है, इसका मतलब होता है वो 1 उसमें से कम हो जाएगा। 5 में से 1 कम हुआ तो कितना हो गया, 4। तो ये 4 का सिंबल क्या होगा, आई वी। 4 का सिंबल क्या होगा, कैसे लिखेंगे 4 को, आई वी। नेक्स्ट नंबर 9। नेक्स्ट नंबर 9 है, मतलब 9 कितना, 10 से कितना कम है, 1 कम है, तो अपन एक्स लिख देंगे। और कम है उसके लिए पहले लिखना पड़ता है मेरे को, एक्स से पहले मेरे को लिखना पड़ेगा आई। कितना कम था, 1 कम था, और 1 का सिंबल क्या है, आई। इसका मतलब हो गया एक्स तो होता है 10 के लिए, और उससे एक कम करना है, मतलब आपको -1 करना पड़ेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 9। तो 9 का सिंबल जो होगा हमारे पास क्या हो जाएगा, आई एक्स।
अंडरस्टूड. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, इफ आई टेक 15 को कैसे लिखेंगे, 15 कैसे बनता है, देखो 15 बनता है 10 प्लस 5. 15 कैसे बना, 10 प्लस 5. तो 10 का सिंबल क्या होता है, x, और 5 का क्या होता है, v. सो इफ यू एड देम अप व्हाट विल बी द नंबर, नंबर विल बी लाइक दिस, xv. द सिंबल ऑफ 15 विल बी xv. नेक्स्ट वन 23. 20 कैसे लिख सकते हैं अपन, 20 को अपन लिख सकते हैं 20 प्लस 3, है ना, या फिर इसको 20 को भी अपन ब्रेक कर सकते हैं. कैसे ब्रेक करेंगे, देखो इसको अपन ब्रेक करते हैं. इफ आई नीड टू ब्रेक इट, इट विल बी 10 प्लस 10 प्लस 3. यस और नो? तो 10 का सिंबल क्या होता है, x, प्लस x प्लस 3. 3 के लिए हम सिंबल यूज करेंगे 1 2 3, लाइन खींच देंगे 1. ठीक है, अब इनको एक साथ लिखना है, यू नीड टू राइट देम टुगेदर. टुगेदर लिखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देयर इज लेस स्पेस, सो आई विल रब दिस, इरेज इट एंड डू इट इन फ्रंट ऑफ दैट ओनली. थोड़ी जगह कम थी, उसी के अगर आपको लिखना है 20 लिखना है, 23, तो एक्स 10 हो गया, फिर एक और एक्स लिख देंगे, 20 हो गया, और फिर आपको 3 लिखना है, 1 2 3 का सिंबल ये होता है. अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज 28. नेक्स्ट वन इज 28. 28 को कैसे लिखेंगे, 20 मतलब 2x आएगा, x x ये हो गया 20. 8 लिखने के लिए क्या करना पड़ता है, 20 प्लस 5, कितना होगा, 25. अब 3 के लिए सिंबल क्या है, 1 2 3, ये सिंबल हो गया 3 के लिए. तो 28 यू विल राइट एज XXV1 या फिर II 3 टाइम्स. ओके, दैट इज योर 28. नेक्स्ट नंबर इज 31. 30 में कितने जीरो टेंस आते हैं, 3 टेंस आते हैं, मतलब 3x लेना पड़ेंगे आपको, 1 2 3, ये हो गया 30. और 1 के लिए सिंबल क्या होता है, I. हियर यू विल राइट I, मींस यू विल राइट लाइक 31 कैन बी रिटन एज XXXI. अंडरस्टूड? वन मोर एग्जांपल, 36. 30 के लिए क्या होता है, 3x. XXX. और 6 के लिए मैंने बोला था 6, 5 से एक नंबर ज़्यादा है, मतलब 5 तो लिखना ही पड़ेगा हमको, और जब एक नंबर ज़्यादा है, प्लस है, तो आपको बाद में लगाना पड़ता है I. अगर पहले लगा देंगे तो वो एक नंबर कम हो जाता है, और बाद में लगाएंगे तो एक नंबर बढ़ जाता है. अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज 32. 32 के लिए 3x तो लगेगा ही लगेगा 30 के लिए, और 2 के लिए 2 बार I लिखना है आपको, यू नीड टू राइट 2 टाइम्स I, एंड दैट इज द रोमन नंबर फॉर 32. ओके, नेक्स्ट वन इज 47. अब 50 से 40 थोड़ा छोटा है, मतलब 5 से 4 छोटा है, तो अपन क्या कर रहे थे, इस केस में हमने क्या किया था, छोटे नंबर पहले लिखा था बड़े से. सेम केस, 50 के लिए सिंबल मैंने आपको क्या बताया, L. तो L तो आप लिखोगे, और 40 कितना कम उससे, 10, तो X आप पहले लिखोगे. ये रूल्स होता है, केवल एक नंबर या एक सिंबल को 3 टाइम से ज़्यादा आप नहीं लिख सकते, दैट इज़ अ रूल फॉर रोमन नंबर्स. जैसे ये 30 लिखा मैंने, 3x लिखा है, 4 टाइम 40 में तो मैंने नहीं लिख रहा हूँ, मतलब रिपीट नहीं होगा, जो आपके पास अल्फाबेट है रोमन वो 3 टाइम से ज़्यादा रिपीट नहीं होता. ओके, तो ये 50 में से 10 माइनस कर दे तो कितना हो गया, 40. अब पीछे कितना बचा आपके पास, हाउ मच इज लेफ्ट, 7 लिख लेने हम क्या करेंगे, ये हो गया 5. अब कितना बच रहा है, 2. तो 2i लिख दोगे आप, ये आप ऐसे सिंपल कर दो. ओके, द नेक्स्ट नंबर इज 50. As I told you, you need to learn this 7 symbols. If you know this 7 symbols, you will able to write any Roman number. So, 50 के लिए कौन सा Roman number है? L. Directly you will write L there. 46. Again 46 के लिए XL आएगा. That is XL. और 6 के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? That is V और एक I लगा देंगे. तो ये हो जाएगा 46. और 19 के लिए, 19 हमें पता है कि 20 से सब एक कम है, जस्ट एक स्टेप कम है, मतलब अपने को क्या करना पड़ेगा, 19 के लिए अपन लिखेंगे x, ये तो हो गया 10. अब आपको प्लस करना है 9, पर 9 का मैंने सिंबल अभी आपको बताया कैसे लिखते हैं, आप लिखोगे 1i, ये आपके 19 हो गया. सो होप यू विल कंप्लीट योर वर्कशीट इन क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू राइट अ रोमन नंबर फ्रॉम 1 टू 50.
हैव अ नाइस डे, डू योर वर्क नाइसली एंड नीटली, सेंड द वर्क टू योर रिस्पेक्टिव टीचर्स।